हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने निकाले हैं पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, आज से पहले लगभग 5 से 6 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, तो मैंने उनका जो एनालिसिस करके ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, जो हर साल जो है रिपीट होते ही होते हैं और एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मैं आपको यूनिट वाइज देने वाला हूँ। तो हर यूनिट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वाली जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो यूनिट्स है उसमें क्या है, काफ़ी लेंदी लेंदी से कुछ चैप्टर्स हैं, यानी हर यूनिट में जो है 1 से 2 या 2 से 3 चैप्टर हैं। इसलिए क्या है, इसमें जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े ज़्यादा रहेंगे आपके, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप एक बार कर लेते हो इन क्वेश्चन को तो आप जो है आसानी से पास हो जाओगे और आपका जो सिलेबस है वो एक ही बार में जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, मे बी एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है इसी में से आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लेना और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। अगर आपने सिलेबस नहीं कर पाया या पढ़ाई लिखाई में आपको दिक्कत आती है, ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाते हो, तो कम से कम आप ये वाले क्वेश्चंस तो कर ही लेना। इससे क्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और वीडियो को इसको पढ़ने की गलती ना करें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको उससे भी ज़्यादा जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं आपको बताता जाऊंगा, तो इसलिए आप जो है वीडियो को देखते रहें। तो वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बीच बीच में क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको मस्ट हैं, जो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो आने की वो बहुत ज़्यादा है। तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन साथ में ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना, स्किप करने की गलती मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा लेंथी है, हर यूनिट में थोड़े ज़्यादा चैप्टर हैं, तो हर यूनिट में जो है थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिट वन की। तो यूनिट वन में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, लगभग रहेंगे हमारे 9 से 10 क्वेश्चन। अगर आप ये 9 से 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो यूनिट वन से आपका कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है कर दोगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे यूनिट वन की, तो वो है हमारा स्टेट एंड डिराइव बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा और उसमें दी भी गई है। तो ये जो है 5 नंबर में आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मैनोमीटर। तो यहाँ पर आप मैनोमीटर का जो प्रिंसिपल है और उसकी वर्किंग को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका डायग्राम जो है ज़रूर बना लेना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है आप एक बार को जो थ्योरी ना लिख पाओ, लेकिन डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। अगर आप डायग्राम बना दोगे तो आपको आधे नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे, और साथ में जो है आप थोड़ी बहुत जो है थ्योरी और वर्किंग लिखोगे तो उससे क्या है आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो डायग्राम मस्ट है, आपको करना ही करना है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसमें आपको रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में डिटेल्स देनी है और उसे जो है डिस्क्राइब करना है, साथ में जो रेनॉल्ड्स का जो एक्सपेरिमेंट है और उसका फ्लो पैटर्न और एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस। तो ये जितने भी इसके पॉइंट्स हैं उन्हें आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये जो एग्जाम में पूछा जाता है, रेनॉल्ड नंबर से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो हमारा फोर्थ, राइट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर। तो देखो, एक मैनोमीटर होता है, वेंचुरीमीटर होता है, ठीक है, और भी कई सारे इसमें जो है अलग अलग जो है मीटर्स वगैरह होते हैं। तो आपको सबको कह लेना है, उनके कम से कम आपको डायग्राम तो देख ही लेने हैं, ठीक है। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है, थ्योरी ज़्यादा है, तो कम से कम आप डायग्राम तो अच्छे तरीके से देख के जाएं, जो कि आप जाते ही उसे डायग्राम को बना दो। इससे क्या है आपका पेज भी भर जाएगा, प्लस उसके साथ साथ क्या है, जब डायग्राम आपको याद होगा तो आप कुछ ना कुछ तो थ्योरी बना के लिख ही दोगे। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी रहती हैं। तो वेंचुरीमीटर और जो है मैनोमीटर, इनके कम से कम डायग्राम आप पढ़ के जाना दोनों के, और जो है थोड़ी बहुत थ्योरी आप लिख देना, तो आपके जो है नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो हमारा राइट एंड नोट ऑन वेरियस लॉज गवर्निंग साइड रिडक्शन। तो साइड रिडक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अलग अलग जो लॉज वगैरह दिए हैं साइज रिडक्शन के, तो उन्हें जो है आपको तैयार कर लेना है। तो शॉर्ट नोट भी पूछते हैं, लॉन्ग नोट भी पूछते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, तो वो हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। तो इसमें हमारी 2-3 मिल रहती हैं, जैसे हमारा एक फ्लूइड एनर्जी मिल रहती है और एक रहती है हमारी बॉल मिल, ठीक है। तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप में जो है इसके ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो लॉन्ग में यानी आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है, और ये जो बॉल मिल है ये भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको डिटेल्स वगैरह देख लेनी है, उसके साथ में उसके डायग्राम वगैरह देख लेने, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप एक बार को थ्योरी जो आपको याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर डायग्राम आप देख लेते हो तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। एक तो आप डायग्राम बना देते हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जो आंसर होता है, उसके साथ साथ जो है
आप क्या डायग्राम की हेल्प से जो है थोड़ी बहुत थ्योरी बना के लिख सकते हो। तो डायग्राम हमारे जो नंबर हैं उन्हें बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं इसी के एक अल्टरनेटिव की, कि अगर आपसे बॉल मिल नहीं पूछा जाता है तो उसके अल्टरनेटिव में क्या पूछ सकते हैं बॉल मिल से रिलेटेड। तो राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन मिल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है मिल्स के बारे में, ठीक है, और इसमें जो इम्पैक्ट और एट्रिशन, ठीक है, ये दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो इस तरह से भी जो है क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों एक तो मिलकर लेनी है, साथ में थोड़ा सा नोट्स वगैरह देख लेने हैं उसके, यानी इम्पैक्ट और एट्रिशन जो प्रिंसिपल पे जो काम करते हैं ये मिल्स, ठीक है, तो उन्हें भी आपको पढ़ लेना है। तो ये भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, मिल्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। 8th क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट सीव सेकर फॉर साइरे सेपरेशन। तो सीव सेकर से साइरे सेपरेशन से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस बार भी जरूर आएगा। तो आप सीव वगैरह के बारे में पढ़ लेना, सीव सेकर रहते हैं और साइरे सेपरेशन वगैरह कैसे करते हैं, तो उसकी डिटेल्स और डिटेल्स आप अच्छे तरीके से देख लेना, तो जो है कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर और सीव साइजेस। ठीक है, तो शॉर्ट नोट पूछा जाता है, लॉन्ग नोट भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, ऑफिशियल कुछ स्टैंडर्ड जो नंबर्स रहते हैं उसके हिसाब से क्या है जो पाउडर्स और जो सीव के जो साइज होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे जो है नोट्स वगैरह पढ़ लेने हैं, और उसमें जो सीव के जो साइजेस रहते हैं और पाउडर्स वगैरह के जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू रहती हैं उन्हें आपको पढ़ लेना है। उन पर क्या शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग नोट भी आता है। तो 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें से यूनिट की, तो वो हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्यूट्रेशन टैंक। ठीक है, तो एल्यूट्रेशन जो है टैंक है, ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसे जो है कर लेना, अगर आपके पास टाइम हो सफिशेंट तो आप इसे जो है थोड़ा सा देख लेना, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ये वाला क्वेश्चन एल्यूट्रेशन टैंक से रिलेटेड। तो आप इसे जो ऑप्शनल में करके जाना इसे। तो यूनिट 1 से हमारे 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और बात करें इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो वो हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर उनकी डिटेल्स वगैरह पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको कर लेना है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फोरियस लॉ, गिव डिटेल्स। तो फोरियस लॉ के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, कोई ना कोई लॉ तो जरूर पूछा ही जाता है आपसे। 4th क्वेश्चन की बात करें तो राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर रहता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है, वर्किंग वगैरह सारी चीज़ें जो आपको इसकी तैयार कर लेनी है। और ये भी हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। 5th क्वेश्चन की हम बात करें तो राइट इन डिटेल्स अबाउट मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये भी हमारा इवेपोरेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, या तो कोई ऐसी उसके डिवाइस के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपसे जो है थियोरेटिकल कुछ पूछ सकते हैं। तो इवेपोरेशन के जो है काफ़ी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन। ठीक है, तो आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, तो इसमें मैं आपको दो बताए दे रहा हूँ, इन दोनों को आप कर लेना, हो सकता है आपसे एक पूछा जाए, हो सकता है दोनों पूछ लिए जाए छोटे छोटे। तो एक तो हमारा डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेसेस। ठीक है, और दूसरा हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एवेपोरेशन। ठीक है, तो एवेपोरेशन जो एक अच्छा जो टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आपको इसे जरूर कर लेना है। 7th क्वेश्चन की बात करें तो राइट नोट ऑन। ठीक है, तो नोट क्या है, सेकेंड यूनिट में से पूछे जाते हैं, तो आप जो है तैयार कर लेना अपने हॉरिजेंटल ट्यूब एवेपोरेटर का कर लेना, और जो है फोर्स सर्कुलेशन एवेपोरेटर, तो दोनों नोट्स को आप तैयार कर लेना, कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है। 8th क्वेश्चन की बात करें तो गिव डिटेल्स अबाउट। ठीक है, तो आपको डिटेल्स या क्या इसे एक तरह से बोल सकते हैं, नोट्स आपको देने होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट आपसे पूछ सकते हैं। तो एक तो हमारा स्टीम डिस्टिलेशन, दूसरा हमारा मॉलिकुलर डिस्टिलेशन, और फिर हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फिर हमारा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 हमारे नोट्स हैं, इन्हें आप पढ़ लेना, इनमें से कोई एक पूछ सकते हैं, दो भी पूछ सकते हैं, तो क्या है आपका 5 या 10 नंबर का जो है क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। तो ये हो गया हमारे सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 3rd यूनिट की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। ठीक है, तो ड्रायर से रिलेटेड भी हमारे जो 3rd यूनिट है उसमें क्या है, ड्राइंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको क्या है ड्राइंग कर्व के बारे में पढ़ लेना है।
और जो दूसरा है हमारा वो हमारा राइट अ नोट ऑन मैकेनिजमेंट थ्योरीज ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग की जितनी भी हमारी थ्योरी रहती हैं या फिर उनका जो मैकेनिज्म रहता है काम करने का क्या तरीका रहता है, तो उसमें से भी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट। ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट या फिर नोट भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग नोट भी पूछ सकते हैं। तो एक तो रहता है हमारा फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, दूसरा रहता है हमारा फ्रीज ड्रायर, तीसरा रहता है हमारा ट्रे ड्रायर और चौथा रहता है हमारा स्प्रे ड्रायर। तो ये क्या अलग अलग तरह के ड्रायर्स के टाइप है, तो इनके बारे में आपसे पढ़ लेना, क्योंकि 5-5 नंबर में 2 भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में आपसे 1 भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं, इसलिए जितने भी ड्रायर हैं उनके जो डायग्राम और उनकी जो मैकेनिज्म किस तरह से काम करते हैं, तो उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग प्रोसेस। तो आपको जो मिक्सिंग की जो प्रोसेस रहती है उसमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो उसे अफेक्ट करते हैं मिक्सिंग को, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है। और फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो वो हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट, एक रहता है हमारा सिग्मा ब्लैक मिक्सर, ठीक है, और दूसरा सिग्मा ब्लेड मिक्सर, दूसरा रहता है हमारा प्लेनेटरी मिक्सर, और तीसरा रहता है हमारा ट्विन सेल यानी जो वी कॉन वाले जो मिक्सर रहते हैं, और एक होता है हमारा डबल कॉन ब्लेंडर। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। और फोर्थ रहता है हमारा सिल्वरसन इमल्सीफायर। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं या इनसे जो डिटेल नोट पूछ सकते हैं, तो इनमें से आप जो है कुछ 1, 2 या 3 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, कोई ना कोई इसमें से आपका आंसर कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपका फंस ही जाएगा। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेज अबाउट फिल्टर लीव। ठीक है, तो फिल्टर लीव की जो है प्रिंसिपल पूछना है, पूछ सकते हैं आपसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेज, तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है हमारा। दूसरे की हम बात करें तो वर्किंग अ नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो राइट अ नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको जो नोट लिखना है फैक्टर अफेक्टिंग जो रेट रहती है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है इसे आपको कर लेना है। थर्ड की बात करें तो राइट अ नोट ऑन थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की जितनी भी थ्योरी रहती है उन्हें आप पढ़ लेना, तो जो आपसे एक नोट पूछ सकता है उन पर, तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो राइट डिटेल्स है वो। ठीक है, तो सबसे पहला रहता है हमारा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, दूसरा रहता है हमारा रोटरी ड्रम फिल्टर, तीसरा रहता है हमारा कार्ट्रिज फिल्टर। ठीक है, तो ये हमारे 3 फिल्टर रहते हैं अलग अलग तरह के, इनके बारे में आप पढ़ लेना, 2 पूछ सकते हैं आपसे और 1 भी पूछ सकते हैं 5 नंबर में। तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और यूनिट 4 के जो 5th क्वेश्चन की हम बात करें तो डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन देखनी है, उसकी वर्किंग देखनी है, और परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज रहता है इसके, ये जो 2-3 चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और जो है वर्किंग। तो जो आपसे पूछ सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा भी है, तो जो है आपसे 5 या 10 नंबर में पूछ सकते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सुपर सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, या फिर जो है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे दोनों। यूनिट 5 की हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है राइट डिटेल नोट ऑन कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन यूनिट 5 में आपको कोरोजन जरूर पढ़ लेना है आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि कोरोजन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से शॉर्ट भी बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी पढ़ लेनी है कोरोजन की, जो कि मस्ट है, आपको पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको टाइप पढ़नी है कोरोजन के, कितने टाइप के जो कोरोजन होते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको कर लेना है, और क्योंकि जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड की बात करें तो डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसे भी आपको कर लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और थर्ड की हम बात करें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, एक तो स्टेनलेस स्टील, फिर हमारा ग्लास और फिर हमारा रबर है, तो किसी से भी जो है कोई ना कोई आपसे एक शॉर्ट नोट पूछ सकता है इसके ऊपर, चाहे स्टेनलेस स्टील के ऊपर पूछ सकता है, ग्लास के ऊपर या फिर रबर के ऊपर, या फिर 2 भी पूछ सकता है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हो गए हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियर 3rd सेमेस्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन क्या है सेम टू सेम मैच नहीं करता है, क्या थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो आप जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करें। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं सेम टू सेम यानी उसी तरह से लिखे हुए, लेकिन क्या है हर बार जो है सेम मतलब लैंग्वेज में नहीं पूछते, वो आपसे पूछते वही चीज़ें, बस क्या लैंग्वेज का थोड़ा गेम ऑफ करा देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, आसान तरीके से आप उसे कर सकते हो। दूसरा ये कि आप थोड़ा लिखने की अपनी स्पीड वगैरह बनाएं, और जितना जल्दी आप लिखने की कोशिश करोगे और तो उससे क्या है
और जितना जल्दी आप लिख लोगे उतना ज़्यादा जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप एग्जाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेज भर पाओगे कम टाइम में। तो ये चीज़ें भी रहती हैं। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट में एक ही चीज़ है, वो हमारे डायग्राम, फ्लो चार्ट या फिर क्लासिफिकेशंस वगैरह के जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं या टेबल्स बनाते हैं, तो वो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। एक तो उससे क्या है, क्वेश्चन आंसर सीट रहती है, बिल्कुल अट्रैक्टिव लगती है। दूसरा रहता है हमारा कि अगर डायग्राम वगैरह आप बना देते हो या फ्लो चार्ट बना देते हो तो काफ़ी एक तो इम्प्रेसिव सी चीज़ रहती है कि कोई चेकर जब उसे देखेगा तो बिल्कुल एकदम खुश हो जाएगा वो, है ना। और राइटिंग वगैरह को आप थोड़ा सा सुधार के रखें। उसके अलावा आप जो है डायग्राम वगैरह बनाएं, और अगर आपको थ्योरी नहीं आ रही है तो आप थोड़ा डायग्राम पे ध्यान दें। और किसी क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं भी पूछा और आपको लगता है कि इसमें डायग्राम बन सकता है तो आप जो है उसे बना दें, तो इससे क्या है आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और जो आप आसानी से थोड़े बहुत नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। और हमारे जो तीन सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हो चुके हैं, और एक और सब्जेक्ट बचा है जिसके मैं आपको दे दूंगा। तो हमारे जो चार जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन चारों के जो है थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएंगे। तो अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप जो आसान तरीके से जो है इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। कोई भी टॉपिक अगर आपको पर्टिकुलर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बस ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।